सारे ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुरुआत बूटा सिंह शादीपुर थोड़े तो ही करांगा। बूटा सिंह शादीपुर जी, जदों तुसी मोर्चा लाया सीगा, लगातार बीजेपी ये एलीगेशन लांदी रही, बड़े सारे लोग तुहाडे ते एलीगेशन लांदे रहे कि तुहाडी मंशा सियासी मंशा हैगी है, किसानी हितां दे नाल नाल तुहाडियां सियासी मंशावां भी ने जिहड़ियां तुसी इस मोर्चे की आड़ दे विच पूरियां करना चाहते हो। तुसी सब ने लगातार यही कहा कि नहीं, साड़ी कोई सियासी मंशा नहीं है, असी कोई सियासत नहीं करनी, कोई वोट नहीं असी लैनी, कोई चोण नहीं लड़नी। यकदम थोड़ा मन किवें बदल गया? वेखो जी, ये असी जेकर साडा कोई इरादा हुंदा ना इलेक्शन लड़न दा जी, ते असी पहला इहनू रजिस्टर्ड कराउंदे, अपना इधर दा असी साडा सिस्टम इस पासे नू चेंज होया हुंदा। असी बिल्कुल इलेक्शन लड़ना नहीं है चाहुंदे, ये सानू जनता दी आवाज दे उत्ते इस पासे नू उतरना पिया है। असी बिल्कुल, तुसी साडियां हर इक दा जिन्ने संयुक्त मोर्चे दे आगू ने, साडा यही बयान सी वी जिन्ना चिर, क्योंकि साडे इक साथी ने शुरू करता ही प्रोग्राम, असी ओनू भी रोकते हाँ भाई जिन्ना चिर काले कानून रद्द नहीं होंगे उन्ना चिर कोई भी ना इस पासे आओ, जदों कानून रद्द होणगे उस तो बाद सोचा जा सकता बैठ के, लेकिन साडा फिर भी विचार कोनी सी कोई भी, असी जनता की आवाज के उत्ते सानू इस पासे आना पिया। नहीं, मैं उही थोड़े तो पुछना चाहना, जिहड़े एलीगेशन थोड़े ते बीजेपी लगातार लगांदी रही, पोलीटिकल पार्टियां लांदियां रहियां कि तुसी सियासत करना चाहते हो, पर तुसी एकदम उदों कह दिता कि नहीं असी कोई सियासत नहीं करनी। अंदोलन खत्म होने तो एक हफ्ते बाद ही थोनू किहड़े लोग ने जिहड़े तुहाडे तक जिन्होंने पहुँच की, जिन्होंने तुहानू मजबूर किया कि तुसी सियासत पिंड दे विच आओ, तुसी अपनी पोलीटिकल पार्टी बनाओ? तुसी हले भी कह रहे हो कि तुसी चोणां लड़ोगे कि नहीं लड़ोगे, ये क्लीयर करो पहले। वेखो जी, गल आ जो असी तैयार किया लोगों की आवाज़ ते किया, संगत की आवाज़ ते किया, जनता की आवाज़ ते किया। जनता लड़ाऊगी तो लड़ांगे, बिल्कुल लड़न वास्ते किया ना असी, जनता लड़ाऊगी तो बिल्कुल लड़ांगे, जनता की कचहरी में जावांगे। लोगों ने सानू गल कही है कि इन्हों राजसी पार्टियां की इन्हों कानूनों सारिया पार्टियां की हमायत सी जदों यह कानून बने ने, मैं कले कले का नाम नहीं लेना चाहता, तो किसी भी राजसी पार्टी ने जिदन कानून लागू होए ने किसी जिक्र नहीं किया, केवल ते केवल किसान जथेबंदियां उठियां जिन्हां कोल कोई ताकत ही नहीं सी, बिल्कुल कोई ताकत नहीं सी जिन्हां कोले, वह असी सारे अपने पंजाब नूं कट्ठा कीता, पंजाब तो हरियाणे वल नूं चले, हरियाणा जुड़िया, केवल बिना ताकत तो अपनी संगत की ताकत से जनता की ताकत के उत्ते कानून रद्द कराए जाके, जो कानून रद्द कराए राजसी पार्टियां ने नहीं, ठीक है बाद च गल्लां करदे रहणे, असीं नाल खड़े हाँ, धन्नवाद आ इन्हां दा। उही आवाज लोगों ने बाद च चुकी, जनता ने बाद च चुकी जदों कानून रद्द करा के आए, भी जेकर तुसी एडी ताकतवर सरकार तो एक कानून वापस करा लेना जिदे च किसी भी राजसी पार्टी ने एडा वड्डा रोल अदा नहीं किया, ना पहला किसी ने दस्या है कि कानून बहुत गलत बन गया, आपां नूं उठना चाहिए है। जे इन्हां राजसी पार्टियां रवायती पार्टियां जो किसी ने पहला आवाज चुकी है तो तां वी ये दस सकदे ने। शादीपुर जी, दो छोटे जिहे सवाल है, मैं बाकी फिर बाकी मेहमानां कोल जाना, मेरे दो छोटे सवाल है उन्हां चुकिया तो लोकां ने गल जवाब टर्मिनल दिओ। पहला सवाल यह है कि तुहानू लगता है कि खेती कानून जिहड़े ने उह वापस कराउण दे लई जिवें पंजाब दा बच्चा बच्चा हर आम खास तुहाडे नाल जुड़िया रहा, क्योंकि तुहाडी उहदे विच कोई पोलिटिकल विश नहीं सी, तुहाडी कोई सियासी मंशा नहीं सी, तुहाडे नाल जुड़िया रहा, अज तुहाडी सियासी मंशा दे नाल तुहानू लगदा कि उदां दा ही हुंगारा तुहानू मिलेगा, उवें ही लोक जुड़नगे? पहली गल। दूजा सवाल, जिहड़ा बीजेपी लगातार तुहाडे ते एलीगेशन लगांदी रही कि तुसी अंत दे विच आके सियासत ही करनी है, उह एलीगेशन ठीक सी फिर? नहीं जी, हरप्रीत जी, ऐसी गल नहीं कोई भी, जिहड़ी तुसी पहला सवाल है भी जुड़े रहना, वेखो लोगों ने पब्लिक ने जनता ने यह आवाज़ उठाई ते सानू इस पासे ये कदम चुकना पिया। मैं तुहानू पहला भी दस्सिया कि साडा बिल्कुल कोई इरादा नहीं सी, ये जनता की आवाज़ ते असीं इधर आए हाँ। जनता का हुंगारा किवें दा हुंदा है सानू वह पता है कि जनता बहुत वड्डे पद्धर के उत्ते सानू साथ देगी, और असी जिहड़ी जनता की सोच है उहनू अगे लैके जावांगे, ते पंजाब का जिहड़ा सिस्टम बिल्कुल गर्क चुकिया है, सारा पंजाब दा नौजवान बाहर नूं जा रहा है, ये राजसी पार्टियां कहिंदियां ने कि 10-10 लाख देवांगे बाहर नूं चले जाओ, तुहाडे तों ब्याज नहीं लवांगे, असी इहो जिहा सिस्टम बना के देवांगे, जेकर सानूं ताकत दित्ती गई कि पंजाब दा नौजवान है जिहड़ा ओह मजबूरी बस बाहर ना जावे, ओह
अपने खुशी दे नाल बाहर जे कोई सैर सपटे वास्ते जांदा चलिया जावे मजबूरी बस ना जावे कि जमीन बेच के बाहर जांदा एहो जा सिस्टम लेके आवांगे जो असी सोचा वो करके विखावांगे जेकर जनता ने प्रवान किया। ठीक है, चलो मैं एक मिनट वापस आना थोड़े को। सुरजीत सिंह फूल साहब भी जुड़े हुए हैं। फूल साहब, तुहानू जनता की आवाज़ क्यों नहीं सुनी? तुहाडे कोल कोई जनता के लोग नहीं आए? थोड़े को नुमाइंदे नहीं आए कि तुसी चलो जी अगे लगो? तुसी बाकियों नू तां पता लग गया कि जनता की आवाज़ से उन्होंने मोर्चा बना लिया, तुहाडे तक जनता की आवाज़ क्यों नहीं पहुंची? देखो जी, यह जिहड़ा वी सानू संगत ने कहता संगत दी आवाज है, यह एक संगत वाली टर्म इह जी है शब्द जिहनू जिथे मर्जी कोई वरत लो यूज कर सकदा। हां, उहदी कोई डेफिनेशन भी नहीं है। एक जथेबंदी नहीं, संयुक्त अपनियां जिहड़ियां 32 जथेबंदियां दे विचों 24 तारीख नूं साडी 32 किसान जथेबंदियां दी मीटिंग हुई सी जिथे इस मुद्दा रिड़किया गया सी। 10 जथेबंदियां ने असीं उत्थे कहता सीगा वी इहदा अंदोलन नूं नुकसान होऊगा जे असीं इह चुनावी राजनीति दे विच जांदे आ, इह पॉलिटिक्स दे विच रासता हासिल करन वाली पॉलिटिक्स दे विच जे जांदे आ तां साडा नुकसान होऊगा। ठीक है, असीं 10 ने कहता सी उत्ते, अज तक नहीं सानूं दसां, मैं इकल्ले नूं नहीं कहिंदा साडी जथेबंदी नूं, जी जी सानूं जथे दसां जथेबंदियां नूं एक वी फोन नहीं आया थल्लों वी भाई तुसीं जरूर चोण लड़ो। इस करके जिहड़े चोण लड़ना पहलों दे लड़ना चाहुंदे सी उहनां नूं आ गए होणगे जी फोन, सानूं कोई फोन नहीं आया। मैं धर्म अमान वाले गल कहना भी मैनूं सिंगल फोन पंजाब दे विचों नहीं आया। नहीं फूल साहब, ये तक शादीपुर जी का जब बयान तुम सुन ही लिया, ये हले भी कह रहे हैं कि साड़ी मंशा अंदोलन के दौरान बिल्कुल नहीं सी चोण लड़न की। तुम इशारा कर रहे हो जिन्हें पहले दिन मंशा सी उन्हों की मंशा हो सकती है, भी ये कहते हैं पहले दिन तो साड़ी कोई मंशा नहीं सी, जदों असी अंदोलन जित लिया लोगों को लगन लग गया कि इन्होंने अंदोलन जित लिया तो ये पंजाब भी जित लेंगे, इस करके लोगों की डिमांड से असी पोलीटिकल पार्टी बनाई है। नहीं देखो जी, ये तो कवर अप करना हुंदा जिहड़ी तुसीं पहला गल कीती सी ना बीजेपी मेहणा दे रही है। मेरा ख्याल बीजेपी मेहणा तां दे रही है जे उदों उन्होंने कहा भी असीं पॉलिटिक्स दे विच नहीं जावांगे, असीं साडी कोई राजसी लालसा है नहीं साडी कोई। जे इन्होंने बयान ना दित्ते हुंदे उदों ही कह देना सीगा वी भाई ठीक है जदों लोड़ पई जदों चोणां आईयां असीं पॉलिटिक्स दे विच भी जावांगे, असीं उस फ्रंट ते भी लड़ांगे, असीं अंदोलन भी लड़ांगे। जे उन्हां ने उदों इह स्टेटमेंट दित्ती हुंदी तां फिर हुण उह मेहणा नहीं दे सकदे सीगे। ठीक है, रजिंदर भंडारी भी साडे नाल जुड़े हुए ने, बुलारा ने पंजाब बीजेपी दे। हाँ जी भंडारी साहब, भंडारी साहब, बूटा सिंह शादीपुर जिहड़े कि संयुक्त समाज मोर्चा दे आगू भी ने, वह कहते हैं कि एक मजबूरी बन गई है, पंजाब गर्क हो चुकया, रवायती पार्टियां नू मौका दे के देख लिया लोगों ने, इस करके ही असी ये मोर्चा बनाया। उस मोर्चे ने जे केंद्र सरकार नू चुका दिता तो मोर्चा कुछ भी कर सकता? देखो ऐसा है गया कि संयुक्त किसान मोर्चा क्यों बने, किस वास्ते बने और कि ये अपने उस काम दे विच कामयाब होए जी बिल्कुल होए। हुण ओ तां कोई इक अलग मुद्दे लैके संयुक्त किसान मोर्चा बनिया सी जिहदे किसान जथेबंदियां, किसान जथेबंदियां तां किसानां नूं रिप्रेजेंट करदी है, उहनां दे मुद्दिआं नूं फॉलो अप करदी है, उहनां दे मुद्दिआं नूं रेज करदी है, उहनां दी किसानी दे विच जिहड़ा उहनां दा रोल बनदा उहदा करदी। पॉलिटिक्स तां बड़ा वाइड है। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲਾਂ ਜੋ ਫੂਲ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲ ਗਏ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫੂਲ ਜੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਉਹ 32 ਚੋਂ 10 ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚ ਆ ਗਏ। ਦੇਖੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਹੱਕ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਨੀਫਾਈਡ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਡੇ 1 ਤੋਂ ਸੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਗਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਰੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਪਰੇ ਕਰ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਗੁਰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਨਾਂ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਰੱਖਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਏਜੰਡਾ ਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਕੀ ਹੈ।
क्या उस चीज नू भी सामने कोई हवा लवाणगे कि नहीं? जिहड़ी गल इह कहिंदे सी वी असीं किसे राजनीतिक पार्टी नू या लीडर नू असीं स्टेज ते नहीं चढ़न देना, कल नू फिर कोई दिक्कत आ गई इत्थे पता लगदा 20 वारी लड़ाइयां लड़नियां पैंदियां, ते फिर किसानां ने मोर्चा लाया कि ये संयुक्त समाज मोर्चे नू उस स्टेज ते चढ़न देंगे किसान जथेबंदी, क्योंकि ये भी तो एक पॉलिटिकल पार्टी दा रूप बन जाएगा फिर। सो कुल मिला के जिहड़ी गल तुसीं पहला कहती ना बिलकुल, फिर एक पासे तुसीं पॉलिटिकल पार्टियां नू कहने अछूत ने, ठीक है तुहाडी गल। चलो आपां इहदा जवाब शादीपुर साहब तो ले लांगे, शादीपुर साहब तो ले लांगे, इकट्ठे जवाब लांगे, ब्राड साहब तो भी ले लीए, एक सुहैद साहब तो भी ले लीए। ब्राड साहब तुहानूं तां कोई दिक्कत नहीं, तुहाडी पार्टी नूं तां कोई दिक्कत नहीं जेकर संयुक्त समाज मोर्चा चोण लड़ रहा? तुसीं तां कहिंदे हो कि तुहाडी पार्टी दे विच वड्डा कैडर जिहड़ा किसान भाईचारे नाल जुड़िया, फिर तां मैनूं लगदा कि तुहाडे कैडर तुहानूं तुहाडा कैडर नूं ज़्यादा सट नहीं वजेगी, क्योंकि किसानां ने जे अपना ही राजनीतिक पार्टी बना ली है तो तुहाडा कैडर किधर भुगतेगा? देखो सब तो पहली गल तो मैं एक बेनती करा कि किसान संयुक्त किसान मोर्चे नूं जदों जित के आए तो लोग किस तरह देखते सी जिवें कोई कत्तर दी जंग जां कोई बाकी जंगा जित के जिवें फौजी कितें छुट्टी आउंदा सी, ते सारा पिंड जिहड़ा उह बहुत इज्जत करदा सी। मन लो मेरे पिंड दे सज्जन जी दे जिस दिन वापस आए, मेरा ट्रैक्टर ट्राली भी विचे सीगा, जदों वापस आए ते सारे पिंड ने गुरुद्वारा साहिब दे सामने स्टेज ला के हरेक नूं सरोपे पा के सन्मानित कीता। मैं भी उस कुदरती उस दिन मैं पिंड सी ते मैं भी उस समागम दा एज ए किसान पिछे बैठ के मैं भी नाल स्टेज ते बैठ के मैं वो सारा सीन देखिया कि किस तरह जित दे हौसले सी, जित दी सारयां दे मन दे उत्ते खुशी सी। पर जिवें जिवें मतलब दिन बीते ते जिहड़ा अकाली दल दा सी ओह अकाली दल दीआं मीटिंगां च जाणा शुरू हो गया, जिहड़ा कांग्रेस दा सी ओह कांग्रेस दा, जिहड़ा कोई आम आदमी पार्टी दा सी ओह आम आदमी पार्टी दा, ते दबवी आवाज नाल बीजेपी वाला भी माड़ा मोटा जिथे सीगा ओह भी खड़ा होणा शुरू हो गया कि हुण चलो वापस हो गया। वैसे ज्यादातर बीजेपी दा पेंडू खेतर जिहड़ा लगभग सारा खुर चुकिया, शहरी भी खुरिया पेंडू लगभग खुर चुकिया, और ओहनूं जेतू फौजी वांग सारयां नूं देखदे सी। पर जिस तरां दा ऐलान दो दिन पहलां होया है उस तों मैं समझदा कि ओह जेतू फौजी इक खिते दा फौजी जदों बण गया ते हुण तां जिथे चार धिरां पहलां इक दूजे नूं गालां कढ़न वास्ते स्टेज ते खड़नगियां उत्थे पंजवीं धिर जिहड़ी है ਇਹ ਵੀ ਖੜ ਗਈ। ਔਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਜੀ, ਔਰ ਇਹ ਏਜੰਡਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਾਦ ਕਰੋ ਜੇ ਪਿਛਲਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਕਰਾਈ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਪਿਆਰ ਉਦੋਂ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਪੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਹਲੇ ਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਲੜਾਂਗੇ, ਇਕੱਲੇ ਕੁੱਲੇ ਲੜਨ ਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਵਾਇਦ ਹੈ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਬਚੀ ਖੁਚੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਜ਼ਤ ਆ ਜਾਂ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋਰਚੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਕਹੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਰਲ ਗਏ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਜਮਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਲਾ ਘੋਲ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜੂਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਲੋਕ ਮਨ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਸਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ 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 ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਇੰਨੇ ਹਲੀਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਦਸਤਕ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਦਸਤਕ ਗਈ ਔਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ 'ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੁਹੈਦ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਸੁਹੈਦ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਦੀਪੁਰ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਗਰਕ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਮੌਜੂਦਾ ਨੇ ਵੀ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਲੀਡ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨਵੀਂ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਫਰੰਟ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਕੱਢੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਆਸਾਨ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਪਿੜ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲ ਨੇ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਪਿੜ ਵਾਲੇ ਉਹੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਲਿਹਾਜ਼ਦਾਰੀ ਖਤਮ ਹੈ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਲਿਹਾਜ਼ਦਾਰੀ ਖਤਮ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਿਹਾਜ਼ਦਾਰੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਸੀ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ?
ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਨਾ ਜੀ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆਜ਼ਾਦ ਦਿੰਦਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੀਗਾ ਇਹ ਇਹ ਘੋਲ ਅਜੇ ਮੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅਜੇ ਲੜਾਈ ਅੱਧੀ ਜਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਜੇ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੀ ਅਜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪੂਰੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਵੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜਾ ਲਖਮੀਰ ਖੀਰੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੰਤਰੀ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਕਦੇ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਹ ਵੀ ਵੱਡਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਪੂਰੇ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਸਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਹੈਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਜੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਅੱਧ ਅਧੂਰਾ ਰਹਿ ਜੇ ਉੱਧਰੋਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਲੱਗੀਏ ਤੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਖਾਸ ਨਾ ਬਣੇ ਬੜਾ ਔਖਾ ਲੜਨਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਟਾਈਮਿੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ।